अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर के जो 9th क्लास के मैथ के एमसीक्यूज थे, ठीक है, उनके करेक्ट ऑप्शन को भी देखेंगे। उसके अलावा हम लोग इसके पेपर को भी डिस्कस करेंगे। इस पेपर में टोटल ये आपके पास 29 एमसीक्यूज हैं, और चूँकि प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इस एमसीक्यूज की और इन क्वेश्चन आंसर्स की आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी ज़रूर कीजिएगा। इस फाइल की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा 9th क्लास की मैथ के तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग का परसों मैथ का पेपर है 9th क्लास वालों का, वहाँ से जाकर आप चैनल से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और 75 में से 75 मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पाए जो होता है वो आपको क्या मालूम है कि पाए जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? पाए हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर कि पाए जो है वो इरेशनल नंबर है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता था कि आपके पास फॉर एग्जांपल ए है, ए के अगर आप ए प्लस, फॉर एग्जांपल आपके पास प्लस ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए, क्योंकि प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा? ज़ीरो। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइव है तो स्क्वायर रूट फाइव में माइनस स्क्वायर रूट फाइव करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस, तो आंसर आपके पास क्या बच जाएगा? ज़ीरो। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 534.2। करेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से मालूम करते हैं? आपको जैसे कि पता होगा कि पॉइंट इतने नंबर्स के बाद लगा हुआ है उतने में से एक को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर पॉइंट तीन नंबर्स के बाद लगा हुआ है तो तीन में से एक को माइनस कर दे तो आपके पास कितना बचेगा? दो। तो दो जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ लॉग 7x इज इक्वल टू 2 देन x विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये 7 की पावर बन जाएगी, तो 7 की पावर 2 यानी 7 × 7 = 49 आंसर आ जाएगा। पांचवी एमसीक्यूज में आपको लॉग को लिखने का तरीका बताया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब हम लॉग लिखते हैं तो सबसे पहले पावर को लिखते हैं, तो और ये आपस में दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर, x और z, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग x के ऊपर जो पावर है 3 पहले आएगी, 3 लॉग ए एक्स प्लस फिर z के ऊपर जो पावर है 4/5 लॉग ए जेड। इस तरह ये फॉर्मूले के तहत सोल्व हुआ है कि इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 2 ए माइनस बी इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगी? 4 के बराबर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके पास फार्मूला से रिलेटेड है। ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे आप 49 बनेगा, 49 में से आप 2 माइनस कर दे तो 47 बच जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। दिस शुड बी एडेड टू ए स्क्वायर माइनस 4ab टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 4ab में अगर आप प्लस 4b स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है 18x5y² एंड 12x³y⁴, तो इसका बचेगा 6x³y², ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। द ऑर्डर्ड पेयर 3, -4 लाइज इन दिस क्वाड्रेंट। तो आपके पास यहाँ पर x प्लस में है और y माइनस में है, तो जिसमें x प्लस में हो y माइनस में हो तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2x + 7 = 19। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, प्लस 7 है दूसरी तरफ जाके माइनस 7 हो जाएगा, 19 में से आप 7 माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा 12, और 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लायर हो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा तो 6 बचेगा आंसर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 4, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। अच्छा, इसका आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है तो इसका -4 और +4 आएगा। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू दिस डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो पॉइंट्स होते हैं, अ लाइन सेगमेंट हैज दिस एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो होते हैं। टू लाइन्स आर सेट टू बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर इफ दे फॉर्म अ दिस एंगल, राइट एंगल। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड दिस एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अच्छा, जो हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्गुलेट करने का तरीका सीखा था उसमें हमने ए एस ए पढ़ा था पोस्टुलेट, एस ए ए पढ़ा था, ए ए पढ़ा था, लेकिन एच एस एच वाला कोई पोस्टुलेट हमने नहीं पढ़ा था, तो ये वाला जो मेथड है वो अनसफिशियंट है। अ पॉइंट ऑन अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। देयर इज
आर दिस दिस एक्यूट एंगल्स इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो देर आर थ्री एक्यूट एंगल्स इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन दिस ऑफ इट राइट बाइसेक्टर. इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इज 45 डिग्री देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज 90 डिग्री. उसके बाद था आपके पास ये आपको जो चैप्टर नंबर 16 में से हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था ये आपको वो निकालना है. तो इसका आंसर आप करके देखेंगे तो 3√2 यूनिट्स आएगा. पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर दिस ट्रायंगल राइट एंगल. 4, 5 + 6 = ये आपको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. तो फ्रेंड ये थे इसके टोटल 29 MCQs जो हमने सॉल्व किए हैं. आई होप कि ये सारे आप लोग को क्लियर हो गए होंगे. इस पेपर की आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर तैयारी कीजिएगा क्योंकि इसमें से पेपर आपका लग सकता है. तो इसी तरीके की और वीडियोस में इंशाल्लाह आपको मैथ के पेपर जो है वो है तो इस तरह से जाहिर सी बात है आपके लिए और वीडियोस इस तरह की मैं अभी बनाऊंगा 2-3 और जिसमें आपको साथ MCQ शेयर करूँगा. तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.